हेलो फ्रेंड्स, आज सुनेंगे गणेश चतुर्थी पर मोदी सरकार ने लिया कौन सा ऐतिहासिक फैसला, एक झटके में हिला दिया पूरा देश। मोदी सरकार ने देश में सत्ता में आते ही कई एक से बढ़कर एक फैसले लिए। पिछले कई दशकों से घोटालों की वजह से हमारे देश में कई जगह भ्रष्टाचार घुस गया और लोगों ने मनमाने ढंग से अपने उद्योग कई गुना बढ़ा लिए, तो वही इसी भ्रष्टाचार पर इस बार मोदी सरकार ने करारा प्रहार किया है। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने देश में छुपे बैठे ऐसे भ्रष्ट लोग जो आम आदमियों के खून में जहर खोल रहे हैं, इतने सालों में उनका भांडा फोड़ कर उन पर बैन लगा दिया है। इस फैसले की सोशल मीडिया में हर तरफ से तारीफ मिल रही है। अभी मिल रही बहुत बड़ी खबर के मुताबिक सरकार ने 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा अन्य 6 दवाओं पर भी बैन लगा दिया है। इस बैन के साथ ही दवा निर्माता कंपनियों और सरकार के बीच चल रही लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है, क्योंकि यह सरकार वो नहीं है जो आम आदमी की जान जोखिम में डालकर आम आदमी की जिंदगी का समझौता करके राजनीति करे। साल 2016 से ही असुरक्षित और बिना काम की दवाओं के प्रतिबंध के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। वैसे तो मोदी सरकार ने 10 मार्च 2016 को ही इन 344 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन दवाओं के उत्पादकों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की मांग की। डीटीएबी ने अपने रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि 328 एफडीसी दवा का किसी तरह का चिकित्सीय औचित्य नहीं है, यह लोगों के सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बोर्ड ने इन पर बैन लगाने की सिफारिश की। लोगों ने कहा, देश बचा लिया मोदी ने। ऐसे में आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी दवाई है जो इतने सालों से आपके सेहत को नुकसान पहुंचा रही थी, आपको धीरे धीरे मौत तोहफे में दे रही थी। इसका सीधा मतलब आप दवाई की दुकान पर भारी पैसे देकर अपनी मौत खरीद रहे थे, क्योंकि केंद्र में बैठी भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल से आपकी सेहत का सौदा करके अपनी तिजोरियां भर रही थी। ये दवाएं है दर्द निवारक सैरिडॉन, त्वचा क्रीम पांडर्म, संयोजन मधुमेह की दवा ग्लूकोनॉर्म पीजी, एंटीबायोटिक्स ल्यूपिडिक्स लोक्स और एंटीबैक्टीरियल टेक्सिम एजेट जैसी लोकप्रिय दवाओं के साथ करीब 6000 ब्रांड को मोदी सरकार ने एक झटके में धूल चटा दी और सड़क पर लापटका है। कोर्ट ने अड़ाई फिर अपनी लंबी सी कानूनी टांग, तो वही इस मामले में भी अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बड़ी कानूनी टांग अड़ानी शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मूल सूची में 344 दवाओं में से 15 को प्रतिबंधित करने के लिए डीटीएबी रिपोर्ट का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें 1988 से भारत में बनाया जा रहा है, मतलब 1988 से जनता में जहर परोसा जा रहा है, तो वो अच्छा है। हाँ, पहले कोर्ट जांच करवाने को कहता है और फिर उसी जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देता है। अजीब मनमानी चल रही है। बता दे, इस विवाद में कई विदेशी और कई बड़े रसूखदारों उद्योगपतियों की कंपनियां के नाम शामिल हैं। इसमें कई लोकप्रिय खांसी सिरप, दर्दनाशक और सर्दी की दवा भी शामिल है। इनकी सालाना बिक्री 340 करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे में सरकार का यह कदम कांग्रेस के मुंह पर भी करारा तमाचा है, जो हर बार मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार और उद्योगपतियों की सरकार का आरोप लगाती है, क्योंकि अगर मोदी उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे होते तो इन सालाना 700 करोड़ से ऊपर कमाई करने वालों के साथ समझौता कर लेते, लेकिन मोदी सरकार तो उल्टा उनके पेट पर लात मार रही है, आम आदमी को इस दलदल से बचा रही है। तो वही ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क, जो एक नागरिक सामाजिक समूह और दवा प्रयोग सुरक्षा पर काम कर रही है, उसने 328 दवाओं पर प्रतिबंध का स्वागत किया। यह समूह सुप्रीम कोर्ट में दवाओं के बैन करने वाले याचिकाकर्ताओं में एक था। इस समूह ने अन्य 15 एफडीसी पर भी तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। यद्यपि कई बड़ी दवा कंपनियों ने
दावा किया है कि पिछले दो साल में उन्होंने ऐसे दवाओं पर कॉम्बिनेशन में बदलाव किया है। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।